महाराज की जय। आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणा शरीरं गृहाम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः अरे पदयो लैपटॉप प्रदक्षिणा जल गया, विधि दूसरा लैपटॉप आ गया। सूत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनां सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बहुत प्रेम के साथ आप सभी आप का सभी का स्वागत है। और आज का हमारा ये वेबिनार बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि अक्सर हम इसमें गुरु तत्व की चर्चा करते आए हैं और परोक्ष रूप में गुरु तत्व का अनुभव हमें हमेशा अपने कार्यक्रम में होता आया है। लेकिन आज सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि गुरु तत्व स्वयं हमारे बीच में उपस्थित है, गुरु जी प्रेम निर्मल जी के रूप में। और एक सिद्ध के सानिध्य में होना अपने आप में ही बहुत विशिष्ट घटना है। जब स्पिरिचुअल लाइफ की चर्चा होती है तो उसके लिए पश्चिम में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो फिलॉसफी कहा गया है। तो फिलो का अर्थ होता है प्रेम करना, सोफी का अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान के प्रति प्रेम का भाव रखना ही फिलॉसफी है। लेकिन जो भी ज्ञान होता है वो हम उसको विज्ञान में बदल देते हैं, क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन हम अपने मन से करते हैं। और जो हमारी भारतीय परंपरा है उसमें जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है दर्शन। तो दर्शन जो है वो बिल्कुल सीधे सीधे जो देख लेते हैं उसमें कोई शक और शुभ की गुंजाइश नहीं रहती। तो सिद्ध के सानिध्य में होना दर्शन करना है। तो सभी लोगों से एक ही अपेक्षा है कि जो भी अपने मन में विक्षेप हो, जो भी धारणाएं हो, जो कुछ हो, उसकी उसको पूरी तरह से अपने घर के बाहर, कमरे के बाहर छोड़ दें और यहाँ पूरी तरह से उपस्थित हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ही विशेष अवसर है। एक सिद्ध के सम्मुख होना, उनकी बात सुनना, उनका दर्शन करना, उनको ग्रहण करना और आत्मसात कर लेना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रेम निर्मल जी गुरु जी से आग्रह करता हूँ कि वो हम सबको अपना उद्बोधन करें, ध्यान कराएं और हम सबको अनुग्रहित करें। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेमा, यू हैव टू अनम्यूट हिम। गुरुजी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। यस, एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? हाँ, यस यस, वेरी मच। नमस्कार, होप आई एम ऑडिबल टू एवरीबडी। लेट मी हाँ आई जी, वुड यस। लाइक यस आई वुड लाइक टू सी ऑल द मुमुक्षुस हियर, बिकॉज आई लाइक टू टॉक टू पीपल, नॉट टू द स्क्रीन। सो दोज हु आर हियर, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज कीप योर वीडियो ऑन सो दैट आई कैन सी यू एंड लेट इट बी अ डायलॉग। ओके, थैंक यू वेरी मच ब्रह्म प्रकाश गौर जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी एंड गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू सो मेनी वंडरफुल पीपल हियर। बिफोर इवन आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट
whatever may be my introduction or your assumptions about me, let us all keep the mind open and have a very open-minded dialogue, discussion. And I'm open to questioning. Let me tell you, I don't have any prepared speech. In my life, I never prepared any speech. And I love to interact with people, live people, honest people who are inquiring about life. I'm grateful to so many masters who have really helped me a lot to understand life. Okay, but today, I'm not going to quote any scripture. I'm not going to quote any master. I'm going to tell you only that which is my own first-hand experience. And I can't even say my own first-hand experience because many times when those experiences were happening, I was not there. So can't use the language of my. Okay, but there are limitations of the language, so I will still speak a common man's language. Otherwise, it will create a lot of misunderstandings. See, our language, English language, is not evolved enough. It is not the language of enlightened people. It's a language of a common man. So I, me, mine are the part of the language, which is not the part of the real enlightened person. But we don't have the language, so we have to speak a common language. So please excuse me for whatever language we have. और मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा जन्म एक बहुत ही सामान्य लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, कच्छ में, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे. मैं अगर अपने गांव के वृक्ष पे चढ़ जाऊं तो मुझे पाकिस्तान की लाइट दिखती. काफी लोग डेजर्ट से आना जाना भी करते थे पाकिस्तान में, और मैं स्वयं बहुत बार बॉर्डर पे गया हूँ. तो रिसोर्सिस बहुत ही कम थे जहां पर मेरा जन्म हुआ. उस समय मेरे जीवन के पहले 13-14 साल ना वहां पर इलेक्ट्रिसिटी थी, ना रनिंग वाटर था. गांव में पूरे गांव का पॉपुलेशन 600 से 700 लोग का था, जो कि उससे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी सोसाइटी का है मुंबई में, एक बिल्डिंग का. तो इतना छोटा सा गांव था और वहां पर मेरा जन्म हुआ. लेकिन पिताजी और बड़े भाई सब लोग मुंबई में आ गए थे कमाने के लिए, और मैं, मेरी माताजी और मेरी बहन, तीन ही जन घर पे थे और तीन गैया थी. तो रिसोर्सिस की कोई कमी नहीं थी, दूध दही घी खाना पीना अच्छा था. और स्कूल जो थी हमारे गांव की, बहुत छोटी सी स्कूल थी, एक ही कमरा था जिसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड टू सेवन्थ स्टैंडर्ड के सारे बच्चे बैठते थे, मास्टर जी थे. So first standard to seventh standard, all the students sitting together, only one teacher full time. Okay, that was the kind of a school that I went to. So meri koi language badi sophisticated nahi hai. Main English mein atak jata hoon, to beech mein Hindi mein baat karunga. Aur Brahm Prakash ji ne mujhe pehle bata diya ki ye acha rahega, kyunki hamare kuch log jo hai Hindi zyada acha samajhte hai, to karna zarur. To mujhe to lottery lag gayi ki bhaiya apna jo English ka problem hai, yahan to solve ho gaya. क्योंकि बहुत सारी बातें जो है मुझे इंग्लिश में बताने नहीं आती. जहां पर बहुत खास अनुभूति होती है, उस अनुभूति के लिए अंग्रेजी में शब्द भी नहीं होते मेरे पास. तो मेरी अंग्रेजी वोकेबुलरी बड़ी छोटी है, 3000-4000 शब्द मैं वापरता हूँ, ऐसे कुछ एक्सपर्ट लोगों का मानना है. मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं कितने शब्द वापरता हूँ. तो जो भी है, भूल चुक हो गए, आप सभी मुमुक्षुगण है, माफ करना. लेकिन जो असली बात है, मन को खुला रख के पकड़ने की कोशिश करना. okay. हमें न तो ज्ञान के आडंबर में उलझना है, ना ही उदार के ज्ञान में उलझना है. हमें तो जो असली घी है उसको पा लेना है. तो ब्रह्म प्रकाश गौर जी का ये जो मौका दिया हमको, वो सार्थक हो जाएगा हम सभी के लिए. तो एक मैं अपने गुरुदेव श्री दादा गावन के साथ में मेरा सानिध्य रहा 1991 टू लाइफ राइट अप टू ही लेफ्ट हिज बॉडी, ऑलमोस्ट टू डेकेड्स. दो दशक तक मैं अपने गुरु श्री दादा गावन के साथ में रहा, और वहीं पर जो भी उन्नति हुई, सब कुछ हुई. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय मास्टर फॉर
showering his grace and helping me to cross the river. So एक बार बैठे थे, बातचीत चल रही थी और दादाजी ने मुझे पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो. तो वो फ्लैशबैक हुआ कि सेवन स्टैंडर्ड स्कूल पास करने के बाद में हमारे गांव में तो स्कूल थी नहीं, तो मैं बंबई आ गया. मेरे पिताजी और बड़े भाई यहीं पर थे और मुझे एल्फिस्टन टेक्निकल हाई स्कूल में एडमिशन दिला दिया. वहां पर वो कारपेंट्री, स्मिथी, ये सब हुआ करता था, जो टेक्निकल स्कूल थी मुंबई के धोबी तलाव में, मेट्रो सिनेमा के सामने. बहुत अच्छी पुरानी स्कूल है अंग्रेजों के जमाने की. उसमें मेरी एडमिशन हो गई. तो शुरू शुरू में तो मुझे काफी इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि इतनी बड़ी स्कूल, ऐसा बड़ा माहौल बंबई का, और मैं तो गांव से आया था, ना हिंदी भी बराबर जानता था, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं जानता था. लेकिन जैसा तैसा करके चला लिया. 35% मार्क मिलके पास हुआ इंग्लिश में, बाकी सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिले. लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि स्कूल से जब हम छूटते थे तो पीछे के एक कोर्ट हुआ करती थी, जिसमें कि इट वाज नॉट अ कॉमन वे, लेकिन बच्चों को अलाउ करते थे. उसके जरिए पीछे वाले शॉर्टकट से हम लोग वीटी स्टेशन जाते थे स्कूल छूटने के बाद में, और वहां से ट्रेन पकड़ते थे सभी बच्चे. तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे मुझे, मैं कुछ ट्रांस स्टेट में चला गया और मेरे साथ के बच्चे जो थे वो सब ट्रेन पकड़ के चले गए, और मुझे ऐसा कुछ मैग्नेटिक पुल महसूस हुआ. मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ मालूमत नहीं था, लेकिन मेरे पैर चल रहे थे. और मैं वहां जाके जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर तक वॉकिंग पहुंच गया, जो कि वो वीटी वाले उसी रोड के अपोजिट साइड में, आगे की साइड में है. और वहां एक झाड़ के नीचे कुछ लोग बैठे थे और कोई महात्मा भाषण दे रहे थे. वहां पर जाके वो महात्मा के बराबर सामने फर्स्ट रो में कुर्सी पे जाके बैठ गए. अब ये कौन था, क्यों पहुंचा, मुझे कुछ नहीं मालूम. ये सब घटना घटित हुई. मैं तो गांव से आया था, जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है वहां पर, ये भी तभी मुझे मालूम नहीं था. लेकिन वहां पर ये शरीर जाके बैठ गया, 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, ब्लू कलर की हाफ पैंट, व्हाइट शर्ट, ये हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म हुआ करता था. और वो फर्स्ट रो में जाके बैठा और उन महात्माओं ने उनकी आंखों से मुझे देखा और ही नॉडेड लाइक दिस, उन्होंने सर हिलाया कि हाँ ये बच्चा आके बैठा और हमारा कनेक्शन हो गया. और इतना आनंद आया उनकी हाजिरी में, उनके सानिध्य में, कि मैं 2 घंटा वहां तक बैठा रहा. उनका लेक्चर खत्म हो गया तब तक मैं बैठा रहा. किसी आदमी ने मुझे उठाया और पूछा कहाँ जाना है, मुझे स्टेशन जाना है, तो उसने मुझे छोड़ दिया. वो व्यक्ति जो थी, वो झाड़ के नीचे भाषण चल रहा था, वो था जिद्दू कृष्णमूर्ति का. जे कृष्णमूर्ति वॉज गिविंग टॉक्स एट जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर अंडर द ट्री. शाम का वक्त था, कौवे बोलते थे, माहौल पूरा आज भी याद है. और उनके सानिध्य में ये 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को 2 घंटे का अमृत का अनुभव हुआ. शब्द तो थे ही नहीं. उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है जिद्दू कृष्णमूर्ति की, मैं आज भी जब किताबें पढ़ता हूं तो मुझे डिक्शनरी रेफर करनी पड़ती है, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड दैट हाई लेवल इंग्लिश. लेकिन बिना शब्दों का जो अमृत का अनुभव हुआ जिद्दू कृष्णमूर्ति की हाजिरी में 13-14 साल की उम्र में, वो अविस्मरणीय था. तो दादाजी ने जब मुझे पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे जीवन में और मैं उसी अमृत के अनुभव को ढूंढ रहा हूं और उसी के लिए मैं खोज रहा हूं कि कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए, बताए रास्ता कि उस मुकाम तक मैं कैसे पहुंचूं अपने आप. मुझे समझ गया था तो ये तो उनकी कृपा थी. और ऐसे फिर 2-4 बार हुआ, समझ में तो आ रहा था कि कोई मधु चख रहे थे हम, बहुत आस्वाद ले रहे थे, लेकिन वो तो उधार का फनी था, मधु था. स्वयं ने वहां तक कैसे पहुंचना, तो दादाजी ने मुझे चट से पूछा, अरे तुम कृष्णमूर्ति से मिले हो. मैं बोला हाँ, लेकिन मैं जब मिला तभी मुझे मालूम नहीं था कि वो कृष्णमूर्ति थे, वो तो बाद में समझा जब बड़ा हो गया था.
वो तो कोई महात्मा थे, मेरे नसीब थे, वहां पर मैं पहुंचा था और अमृत का अनुभव हुआ 8th स्टैंडर्ड में। 1976 में एसएससी पूरा किया और हमारा घर तभी मुलुंड में आ गया था तो दूर पड़ता था, तो मेरे बड़े भाई ने स्कूल बदल दी, अमूल कमीशन टेक्निकल हाई स्कूल, गुजराती स्कूल थी माटुंगा में, वहां पर एंट्री कर दी। एचएससी हो गया सेकंड 12th स्टैंडर्ड पास किया 1978 में, और उस समय पे 1978 में आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम और 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्जाम साथ में आ गई, तो मैंने काफी जम के आईआईटी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन किया था, लेकिन दोनों एग्जाम साथ में आ गई, एक पेपर में मुझे जब्ती लग गई। ये भी मैं आपको मैं बता दूं कि लोगों की धारणा कुछ भी हो, मैं जब स्कूल में था गांव में तो एक ही छोटे से रूम में फर्स्ट स्टैंडर्ड टू सेवन्थ स्टैंडर्ड सभी बच्चे सोते बैठते थे और लंच के बाद में सोते थे, और हमारे मास्टर जी भी सोते थे, तो लंच के बाद में सोने की आदत मुझे तब से लग गई थी। और ये आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम का एक पेपर बराबर लंच के बाद में था और आदतवश मुझे थोड़ी जबकि लग गई, तो मेरा आईआईटी में चाहिए उतने मार्क्स नहीं मिले, तो 12th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स मिले तो विजेटीआई में मुझे एंट्रेंस मिल गया, और विजेटीआई में ओपन लिस्ट पे मैं टॉप पे था एकदम ऊपर। क्यों? कि वो जो एसएससी और एचएससी जो टेक्निकल इसमें की थी तो 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते थे, सो आई वॉज ऑन द टॉप ऑन द ओपन मेरिट लिस्ट ऑफ विजेटीआई एंड माई इंजीनियरिंग कंटिन्यूड। तो घर छोटा सा था बॉम्बे में, लोग बहुत ज्यादा थे घर में, तो हॉस्टल में रूम मिल गया, तो इंजीनियरिंग में मैं हॉस्टल में रहने गया, बॉम्बे का होते हुए भी बॉम्बे की हॉस्टल में चला गया, माटुंगा में विजेटिया के हॉस्टल में था मैं। और मेरा जो हॉस्टल पार्टनर था उनके पिताजी श्रीपाद राउत उनका नाम था मेरे हॉस्टल पार्टनर का, और वो स्वयं भी वज्रेश्वरी जाते थे, तो मुझे बोला चलोगे वज्रेश्वरी आश्रम में? मैं बोला देखो आश्रम विश्रम में मैं नहीं चलता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेस का फीस भरने के लिए भी पैसा नहीं। नहीं नहीं, बोले पैसा नहीं लगता है वहां, तो बोले मुझे एक अच्छा कारण बताओ मैं क्यों चलूं। तो वो समर था, मैंगो की सीजन थी, बोले आश्रम में रसपुरी खाने को मिलता है, और ये बड़ा अट्रैक्शन था क्योंकि मेस का खाना पसंद नहीं होता है बच्चों को। रसपुरी के चक्कर में मैं मेरे पार्टनर के साथ में वज्रेश्वरी पहुंचा, तो बोले वहां सेवा तो करनी है, मतलब रसपुरी खिलाएंगे तो सेवा भी करेंगे, तो बड़े बड़े बर्तन मांजे थे मुझे याद है, फर्स्ट टाइम में किचन में सेवा थी हमारी बर्तन मांजने की, तो बड़े बड़े बर्तन मैंने मांजे थे। फिर बोले ये तो बहुत भारी होता है, तो दूसरे दिन मैंने गार्डनिंग की सेवा ले ली, ओवरनाइट रह गए थे, और जब गार्डनिंग कर रहा था तो बाबा मुक्तानंद स्वयं आवे और वो मोरपीछ हाथ में रखते थे और मोरपीछ से मुझे सर पे मारा। ओके, वो क्या करते थे क्या है मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था क्योंकि मैं तो रसपुरी खाने गया था आश्रम में, लेकिन वो भी अमृत का अनुभव, वहां पर मैं 2 घंटा बैठ गया, वो पहला मेरे जीवन का शक्तिपात का अनुभव था, मैंने महसूस किया, हालांकि इसको शक्तिपात कहते मुझे बाद में समझा। तो जब हॉस्टल जाने के लिए वापिस निकले तब मेरे पार्टनर ने बोला मैं कितने सालों से आ रहा हूं, बाबा का प्रसाद मुझे नहीं मिला, तू रसपुरी खाने के लिए एक बार आया और तुझे बाबा का प्रसाद मिला। जो भी हो, लेकिन शक्तिपात का मेरा पहला अनुभव सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में के दरमियान हुआ। 2 दिन वज्रेश्वरी के आश्रम में था, मंडे से फिर से कॉलेज में पहुंच गया। ये शक्तिपात का अनुभव था, ये तो बड़े बाद में समझा, बाबा का प्रसाद मिला ऐसा मेरे पार्टनर ने बताया था तभी। लेकिन यात्रा चलते रही, स्कूल के समय में मैं एक व्यक्ति के बहुत नजीक गया, उनका नाम था श्री कौशिक रिंदाणी, अभी पिछले महीने उन्होंने देह त्याग किया। वो मेरे अच्छे मित्र रहे, मेंटोर भी रहे, बहुत प्यार करते थे हमसे, और वो चिन्मय मिशन में सेवक थे और हम सबको सिखाते थे, तो मैं स्कूल से ही उनके पास जाता था, कॉलेज में जाता था तभी भी बीच में उनको मिलता था, और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया स्वामी चिन्मयानंद से। तो 1976 में एसएससी का एग्जाम होने के बाद में 3 महीना छुट्टी जैसा होता है,
उसमें हम लोग ने चिन्मय युवा केंद्र फॉर्म किया था मुलुंड में, और उन्होंने मुझे चिन्मय युवा केंद्र का प्रेसिडेंट बनाया था। और 1977 में स्वामी चिन्मयानंद का पहला इंटरनेशनल गीता ज्ञान यज्ञ हुआ था मुलुंड में, जहां पर अभी कालिदास नाट्यग्रह है, वहां पर सोनार बंगला बोलते थे, पार्क था, बड़ा मैदान था जहां पर हम क्रिकेट खेला करते थे, और वहां पर शाम को आरएसएस की शाखा लगती थी। उस शाखा में मैं जाता था क्योंकि वहां वॉलीबॉल खेला करते थे, तो फ्री में वॉलीबॉल खेलने के लिए उस मैदान में मैं जाता था। क्योंकि देखो, जब आदमी के पास पैसा नहीं होता ना, तो दिमाग बड़ा अच्छा तेज चलता है, कैसी कैसी आइटम कहाँ कहाँ फ्री में मिलती है सब समझता है। तो अपना फ्री में क्लब चलता था, मतलब वॉलीबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना वहां पर चलता था। उसी मैदान में इंटरनेशनल गीता ज्ञान यज्ञ फर्स्ट स्वामी चिन्मयानंद का हुआ, और क्योंकि मैं चिन्मय युवा केंद्र का प्रेसिडेंट था, स्वामी चिन्मयानंद को 10,000 लोगों के सामने इंट्रोडक्शन करने का काम मुझे दिया गया। अब ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग और भारी काम था जीवन में, पहला कि एक तो गांव से आया हुआ लड़का, 10,000 बहुत बड़ी होती है, 10,000 पीपल मैदान में। ओके, तो मैं स्टेज पे चढ़ तो गया इंट्रोडक्शन के लिए, वो कागज में लिख के दिया था कुछ लोगों ने मुझे, हालांकि पूरी ऑडियंस उनको जानती थी, मुझे कुछ कोई नहीं जानता, लेकिन मेरा काम था कि स्पीकर को इंट्रोड्यूस करो। तो जब मैं 10,000 लोगों के सामने पहुंचा स्टेज के ऊपर, तो मैदनी देख के मुझे आज भी याद है, मेरे कान लाल हो गए थे, नाक लाल हो गया था, और मेरा बोलना बंद ही हो गया। तो एक 20 सेकंड 30 सेकंड तक तो मैं कुछ बोला नहीं, फिर मैं भूल गया कि मेरे हाथ में पन्ना है, वो मुझे पढ़ना है। फिर तो मुझे जो समझा एक्सटेम्पोर, मैंने स्वामी जी को इंट्रोड्यूस किया। ओके, और लोगों ने बहुत तालियां बजाई थी, पहली बार मेरे जीवन में कि मैं 10,000 लोगों के सामने हूं और लोग तालियां बजा रहे हैं, और उतर गया। फिर स्वामी जी ने कुछ अच्छे शब्द बोले कि बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया, तो मेरा पब्लिक स्पीकिंग का डर निकल गया। ओके, अभी आज उल्टा है, इफ आई सी पीपल आई फील मोटिवेटेड टू टॉक, आई कांट टॉक टू द वॉल और द स्क्रीन, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू कीप योर वीडियो ऑन, when I look at the your facial expression I feel better that I'm talking to people, otherwise I can't talk, mera jo style hai wo gupshup ki style hai, okay, agar log nahi hai to main bolna band kar dunga, agar aapka video band ho gaya to mera bhi band ho jayega, so keep your video on so that I can see you। So swami chinmanand ke hazri mein उनसे अच्छी मुलाकात अच्छी हुई, दोस्ती हुई, और स्वामी जी के साथ में काफी जगह पे मैं घूमने जाया करता था उनके साथ में। वंस अगेन लेट मी टेल यू, कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं नहीं घूम रहा था उस जमाने में, मुझे एक स्टाइल समझ में आ गई थी कि लोग, अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े धनी धनिक लोग स्वामी जी को भिक्षा के लिए बुलाते थे, और मुझे ये शब्द बड़ा अच्छा लगता था, कहते थे भिक्षा, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी आइटम्स खाने को देते थे स्वामी जी को, और मैं चिन्मय युवा केंद्र का प्रेसिडेंट था तो मेरे को बाजू में बैठाते थे। ओके, तभी भी मेरा हॉस्टल चालू था और हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता था, तो स्वामी जी के साथ में भिक्षा में जाने का है तो मैं बड़ा खुश होता था, क्योंकि स्वामी जी को डायबिटीज था, और मिठाई जो भी होस्ट उनके थाली में डालता था स्वामी जी चुपके से मेरी थाली में डालते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था स्वामी जी का ये जेस्चर। तो हमारी तो दोस्ती और अच्छी चली, और फिर कभी कभी स्वामी जी मुझे बीच में खड़ा कर देते थे, आप बोलो, तो मेरा पब्लिक स्पीकिंग का पूरा जो ट्रेनिंग है स्वामी चिन्मयानंद जी की हाजिरी में फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। तो ऐसे ही मैं पब्लिक के सामने बोलना शुरू कर दिया, आश्रम में भी बुलाते थे, इंट्रोडक्शन करना है, कुछ बताना है। ओके, कभी कभी कुछ सेशंस लेने को भी बताते थे, तो मेरा बोलना, पब्लिक स्पीकिंग, भगवत गीता पे बोलना, उपनिषद पे बोलना, वो सब ऐसे ही स्वामी जी की कृपा से हो गया। और उस समय पे आचार्य रजनीश के कुछ टॉक हुआ करते थे वुडलैंड्स में, बॉम्बे में, वहां पर मैं एक बार पहुंच गया, क्योंकि मालूम नहीं कैसे, लेकिन जहां पर भी कोई ऐसी व्यक्ति हो तो ऑटोमेटिकली मैं पहुंच जाता था। तो मुझे समझा कि कुछ तो भी बात है, कि जहां पर भी कोई महान विभूति हो, महात्मा हो, तो पहुंच जाता था मैं।
तो आचार्य रजनीश से भी अच्छी मैत्री हो गई, फिर उनका जो टॉक हुआ था बॉम्बे में, जू में हुआ था, वहां पर मैं था। और वो जब बॉम्बे से पुणे गए फर्स्ट टाइम आश्रम में, तो उनके पीछे पीछे मैं भी गया, और काफी समय तक मैं उनके साथ में जाता था आश्रम में पुणे में, और उनकी किताबें पढ़ता था। और जो चुआंगजू ऑडिटोरियम में ओनली 21 पीपल के लिए उनके जो पर्सनल टॉक हुआ करते थे, उन 21 व्यक्तियों में से मैं एक था, 21 लोगों का जो इनर सर्कल था उस जमाने। तो बड़ी यारी दोस्ती खाते में मुझे आचार्य रजनीश, उनका नाम बदला बाद में भगवान रजनीश, तभी भी मैं वहां था, फिर उन्होंने नाम बदला ओशो रखा, तभी भी मैं वहीं। वो बीच में जब अमेरिका गए, ओरेगॉन में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, उस समय पे मैं नहीं था उनके साथ में। तो एक बहुत अच्छा बड़ा लव अफेयर था ओशो रजनीश के साथ में। और जब उनकी उन्होंने देह त्याग किया पुणे में, तो मैं वहां पर था बर्निंग घाट्स पे, जो उनके देह को अग्नि संस्कार किया गया, तभी मैं था और वहां बैठे रो रहा था, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त लव अफेयर थी हमारी, सच ए ग्रेट मास्टर, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, क्योंकि वही प्रॉब्लम, हिंदी में बोलते थे सवेरे तो समझ में आता था, शाम को इंग्लिश में बोलते थे, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी तो समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ तो था जो अमृत की मैं खोज कर रहा था वो मुझे दिखा उनमें। तो प्यार तो हुआ लेकिन मेरा काम नहीं हुआ, और उन्होंने देह त्याग कर दिया, तो मुझे बड़ा रोना आ रहा था, मैं वो बर्निंग घाट्स पे पुणे में बैठ के रो रहा था। तो एक माँ आई, मुझे बेटा क्यों रो रहा है, मतलब लव अफेयर हुआ मास्टर्स के साथ में और उन्होंने देह त्याग कर दिया, मुझे बड़ा रोना आ रहा है। तो बोले रो ले, ठीक है। फिर उनका अस्थि लाए, 2-3 दिन में वहीं था पूरा जो प्रोग्राम हुआ, और घर चला गया, और बड़ा नाराज था कि भैया अभी तो कोई है नहीं। तो फिर ओशो की शिविर एक लगी थी 1991 में, वहां पर मैं गया ध्यान करने के लिए। उसके पहले मेरा संन्यास दीक्षा हो गया था, और स्वामी आनंद सत्यार्थी मेरा संन्यास का नाम था, लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा था। तो मैंने बताया उनको जो कैंप कंडक्ट कर रहे थे कि आपने मुझे नाम तो दे दिया स्वामी आनंद सत्यार्थी, ना मैं स्वामी हूं ना आनंद आ रहा है, सत्य का तो पता नहीं है, मतलब कि आनंद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, ये जो नाम मुझे दिया वो सार्थक नहीं है। तो वहां पर एक घाटकोपर की माँ मित्रछाया नाम की एक लेडी थी, उन्होंने मुझे बोला कि तुम जिसकी ढूंढ रहे हो वो मास्टर तो आपके घर के बाजू में रहते थाना में, तभी हम लोग रहते थे वसंत विहार में, और मुझे उन्होंने पता चला है कि राम मंदिर है, येऊर हिल्स है थाना में, मैं बोला जानता हूँ, मुझे घर में से दिखते हैं येऊर हिल्स, और राम मंदिर के सामने की गली में ये दादा गावन नाम के एक ऐसा लायन के जैसे दिखते है, दाढ़ी वाले मास्टर है, बड़ा कड़क मास्टर है वहां पर थे वो। तो मैं आया संडे को, जो शिविर खत्म हो गई, सोमवार को सुबह ऑफिस न जाते हुए सीधा मोटरसाइकिल को लिया राम मंदिर ढूंढने के लिए येऊर हिल्स पे, करीबन 1 घंटा ढूंढा और मैं दादा गावन को साक्षात मिला। उनकी कॉटेज थी वो सामने की साइड में, एक छोटी कॉटेज में रहते थे क्योंकि कुछ मरम्मत चल रही थी। तो मैंने पूछा कि मैंने ऐसा सुना वो दादा गावन आप पे, बोले हाँ, क्या नाम है तुम्हारा, प्रेम निर्मल कहाँ से आए हो, क्या करते हो बेटा, और 10 मिनट में बोला ठीक है अभी तो मेरा अस्त व्यस्त है सब कुछ, मैं सामने की कॉटेज में चला जाऊंगा, नेक्स्ट मंथ में आ जाना। लेकिन मिला, बातचीत समझा, तो 1 महीने के बाद में मैं फिर से जब वहां गया तो अपनी कॉटेज में, जहां पर हम ब्रह्म प्रकाश गौर जी को साथ में जो मीटिंग हुई थी उसी जगह पे वहां पर थे, टेम्पररीली सामने के रूम में गए थे थोड़े दिन के लिए, और वहां पर मिला, और जब बातचीत समझी, आंखों में देखे, आंखों मिली, तो मुझे लगा कि अरे ये तो वही अमृत की अनुभूति वापस आ गई। मतलब अब इस आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगा, जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था इधर उधर वो इसके पास है, पक्का पक्का समझ में आ गया। कोई भी ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति को हम जब मिलते हैं तो उनकी ऑरा में से अगर आप सेंसिटिव है तो आपको अनुभव मिलता है, अमृत का अनुभव होता है, बिल्कुल सच बात। मास्टर के हाजिरी में सानिध्य में अगर आप शांत मन से बैठते हैं तो
तो वाइब्रेशन आप पकड़ोगे अगर आप सेंसिटिव हो तो. तो ये बात तो समझ में आ गई कि इसके पास कुछ है. तो वो मीटिंग जो थी, जो फ्लैशबैक में मैंने आपको मेरी अभी तक की कहानी बताई, क्या ढूंढ रहे हो, वो उस मीटिंग की बात है. तो मैं मतलब ये खोज रहा हूं और मेरी ऐसी ऐसी यात्रा रही, कृष्णमूर्ति मिले, उसके बाद में स्वामी चिन्मानंद मिले, फिर ओशो के साथ रहा, तो चले गए, मेरी बात बनी नहीं और मैं आपके पास पहुंचा हूं. ऐसी यात्रा मेरी रही. तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ा झटका दिया पहली मीटिंग में कि ये चीज कोई किसी को दे नहीं सकता, ये तो खुद को ही ढूंढना पड़ता है. बोले ये सस्ता थोड़ी है कि कोई किसी को दे दे. ठीक है, अगर आप नहीं दे सकते तो आप मुझे बताओ कि मैं उसको कैसे पाऊं. बोला हाँ वो बताया जा सकता है, अगली बार आना. तो एक हफ्ते के बाद में मैं फिर से वहां चला गया. क्यों आए हो, आपने बताया था अमृत की खोज में, मुझे क्या करना है बताओ. तो कुछ गार्डनिंग इक्विपमेंट पड़े थे, उन्होंने बोला उधर एक 2 फुट बाय 2 फुट का खड्डा करो. तो मैं लग गया जम के. 2 फुट बाय 2 फुट बाय 2 फुट गहरा खड्डा कर दिया मैंने. हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए, मैं जो ढूंढता हूं मिल जाए वहां पर खड्डे. कुछ मिला नहीं, खड्डा हो गया, पसीना पसीना हो गया. इतना तो काम करने की आदत नहीं रही थी, लेकिन किया. तो खड्डा हो गया, पानी पिया बैठ के. दादाजी अभी क्या करूं, बोले अभी और करना है. ठीक है, अभी वो खड्डे को भर दो. तो मैं जाके वो भट्टी निकाली थी पूरी, फिर से भर दी. और एक झटका लगा. फिर मुझे अक्ल आ गई कि अभी मुझे पूछना नहीं कि मुझे क्या करना है, मैं कुछ को गड़बड़ कर रहा हूं कि ये करने से होने वाला नहीं है, नहीं तो ये फिर से उसी मिट्टी को निकालेंगे, फिर से बोलेंगे भर दो. तो मुझे इतना तो समझ आ गई, अभी मुझे ये सवाल नहीं पूछना कि मुझे क्या करना. फिर मैं बैठ गया चुपचाप और वो देख रहे थे, हंस रहे थे कि हाँ अभी ये करने की भावना से मुक्त हुए. इसे यंग है आदमी, एनर्जेटिक है, तो कुछ करके पाना. क्योंकि वो एक दिन के एक लेसन में 2 फुट बाय 2 फुट बाय 2 फुट का खड्डा किया, पसीना हुआ, पानी पिया, वापिस मिट्टी भर दी और जीवन भर के लिए एक लेसन मिल गया कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो करने से नहीं मिलती. तो जो सचमुच में जो असली मास्टर्स होते हैं वो ऐसी चीजों के जरिए हमको सिखा देते. और उन्होंने मुझे उनकी किताब दी, Beyond the Mind. इसमें लिखा है, मैं जम के पढ़ने लग गया, एक एक चीज पढ़ रहा था, कुछ कुछ बातें समझ में आ गई, लेकिन जब एनर्जी की बात आई थी, बियॉन्ड द माइंड की बात आती थी, तो बात पकड़ में नहीं आती. तो जब समय मिलता था तो उनके पास मैं बैठता था कि भाई यहां तक तो मुझे समझ में आया, ये किताब में लिखा है, लेकिन इसके आगे की जो बातें हैं मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये क्यों ऐसा हो रहा है. तो बोला तुमको ऐसा क्यों समझता है कि तुमको ये सब समझना चाहिए. मैं समझता हूं ये मुझे समझना चाहिए लेकिन ये नहीं समझ रहा. बोले तुम्हारे पास जो टूल्स है तुम मन बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हो तो ये नहीं समझेगा. अगर आप मन बुद्धि से वो अमृत के अनुभव को पकड़ना चाहते तो नहीं पकड़ सकते, बिकॉज योर टूल्स आर नॉट गुड इनफ. तो मैं बोला मेरे पास तो यही और कुछ तो है ही नहीं, अभी कौन सी टूल से पकड़ो. तो बोले अगर आपको चांद पे जाना है तो आप कार लेके नहीं जा सकते हो. आपके पास मन बुद्धि है, ये जो सारी बातें कार के जैसी है, और अगर आपको चांद पे जाना है तो आपको रॉकेट चाहिए. तो मैं बोला मैं तो कार छोड़ गए और राजी हूं, रॉकेट कैसे बनाने का बताइए. तो बोले मन को देखो, अलिप्त भाव से विचारों को देखो. Watch your thoughts with aloof attention. That was his statement. And that one statement hit me so hard. उसी क्षण में मेरे भीतर एक महाक्रांति घटित हो गई और भीतर से साक्षी एकदम मजबूत हो गया. एक ही सेंटेंस जबरदस्त
महाक्रांति और महसूस हुआ अनुभव कि कुछ तो भी हुआ, बहुत जबरदस्त चीज हुई अंदर, जैसे सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। और वो उसके बाद में बड़ा शांति का अनुभव हुआ उनके हाजिरी में, और गहराई से समझ गया अगर अमृत का अनुभव चाहिए जो ढूंढ रहे हो यही मिलेगा और किधर नहीं मिलेगा। नवरात्रि थी तभी वसंत विहार में लोग ड्रामा करते थे, नवरात्रि में गरबा होता था, वो सारी चीजें छोड़ दी और बस सिंगल माइंडेड सिंगल पॉइंटेड कि भैया अब इस व्यक्ति को छोड़ना नहीं है। हालांकि अट्रैक्शन तो बहुत सारे थे, काम धंधा भी अच्छा चल रहा था, बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन वो सब छोड़ के इसको छोड़ना नहीं है। ओके, सब कुछ छोड़ा सकता है लेकिन इनको नहीं छोड़ा। बार बार उनके पास पहुंच जाता था और इसके आगे क्या है, उसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। तो मेरी शादी हो गई थी और हमारी बच्ची कल्याणी छोटी थी, 1 साल की। तो फैमिली मीटिंग, माई सेल्फ माई वाइफ भारती एंड कल्याणी, हम लोग दादाजी को मिलने गए थे और तभी हमने कैमरा साथ में लिया था क्योंकि उनकी फोटोग्राफिक किताब है इंट्यूटिव इंटेलिजेंस, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और उस समय पे मैं कैमरा लेके गया था और कैमरे का यूज कैसे करने का, ये मैंने कोई प्रोफेशनली फोटोग्राफी सीखा नहीं था लेकिन इनकी फोटोग्राफी अच्छी थी तो मास्टर्स लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। मेरा फोटोग्राफी का ज्ञान भी कोई इंस्टीट्यूट से या तो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर से नहीं था लेकिन दादा गावंड ने मुझे फोटोग्राफी सिखाई। और फोटोग्राफिक लैंग्वेज में, मतलब फोटोग्राफी की लैंग्वेज में उन्होंने मुझे बहुत सारी आगे की बातें बता दी, सूक्ष्मों को कैसे पकड़ना। और थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट तो पहले से ही था तो मैंने देखा दादाजी के साथ में रहते हुए कि जो मेरे दिमाग में चलता है वो बराबर पकड़ लेते थे। तो मैंने एक बार डायरेक्टली उनसे पूछा कि आप मेरा मन पढ़ते हो क्या, आर यू रीडिंग माई माइंड, तुमको क्या करना है। बोला मुझे तो बड़ा अस्वस्थ लगता है क्योंकि मेरे मन में तो उल्टे सुलटे सब विचार चलते रहते, अगर आप मुझे मेरा माइंड पढ़ते हो तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, शर्म आती है क्योंकि सब उल्टे सुलटे विचार आते हैं। बोले हाँ मन को पढ़ना है। बोले मुझे सिखाई आप कैसे मन को पढ़ते हो। बोले सिखाऊंगा, बैठो पहले तुम अपने मन को पढ़ो, यू रीड योर माइंड। एंड विद इन फ्यू डेज टाइम आई लर्न टू रीड माई माइंड कंप्लीटली 100%। एंड फ्रॉम देयर आई सेड ओके नाउ आई कैन रीड माई माइंड, नाउ टीच मी हाउ डू आई रीड योर माइंड। And instantly he did something and he connected. That was my first telepathic communication with my master. और इतना strong connection बना कि हमारी उसके बाद की ज्यादातर बातें telepathic होती थी, mind to mind. तो मैं बोला ये तो बड़ा मजा आ रहा है। Okay, तो दूसरों को मन को पढ़ने की बातें जो थी वो पकड़ में आ गई, वो शक्ति मुझ में भी आ गई। कभी कभी मैं स्विच ऑन करता था तो पढ़ लेता था, बाद में स्विच ऑफ करता था। उन्होंने दादाजी ने बताया था बड़ी खतरनाक चीज है, तुम्हारी यारी दोस्ती सब टूट जाएगी, तुम जिसको अपने मानते हो पराया हो जाएंगे, तो इसको जब चाहिए तो वापरना नहीं तो नॉर्मली मत वापरना। लोगों के मन में तो कुछ कुछ चलते रहता है और अगर आप मन पढ़ते हो लोगों का तो बड़ा डेंजर चीज है ये। तो मुझे समझ में आ गया कि हम जिसका भला सोचते हैं वही हमारा बुरा सोचते हैं, ये खतरनाक चीज है किसी का मन पढ़ना, ये बड़े खतरनाक बात है। लेकिन उन्होंने मुझे टॉगल स्विच टेक्निक सिखाई थी, आपको जब पढ़ना है तो पढ़ो नहीं तो बंद कर दो, नॉर्मली मत पढ़ो। आज तक वो टॉगल स्विच को संभाल कर रखा है। और लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट था तो हमने एक टेलीपैथी का एक्सपेरिमेंट किया, वो भी मजा मजा में एंजॉय करते थे। मैं बोला दादाजी बाजू बाजू में बैठते तो होता है, मैं है ना एक 10 मीटर दूर जाता हूँ, वो सामने वाली कॉटेज में बैठता हूँ, फिर वहां से अपना तार मिलता है कि नहीं देखता हूँ। बोले जाओ देखो। तो 10 मीटर दूरी से हमने कोशिश किया कि हम माइंड टू माइंड कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल किया। ओके, बोले यहां तक तो तार पकड़ता है, अभी क्या करना है। अभी मैं घर जाता हूँ, बहुत लेट हो गया,
तो वेक्टोरियली मेरा घर और दादाजी का घर करीबन 5-6 किलोमीटर दूर होगा। वेक्टोरियल जैसे कौवा उड़ के जाता है, कौवे को 5-6 किलोमीटर उड़ना पड़ेगा, उसको वेक्टोरियल डिस्टेंस के। वैसे तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था जंगल में ऊपर जाने का। तो घर में जाके टेरेस पे बैठ गया और फिर से वो तार कनेक्ट किया तो बिल्कुल बात हुई। हमारा टेलीपैथी 5 किलोमीटर दूर से भी काम कर रहा था, मतलब 5G था वो पकड़ रहा था रेंज 5 किलोमीटर दूर से भी, लेकिन पकड़ा तो सही। मुझे डाउट आ गया कि शायद ये मेरा मन का खेल है, ऐसे मन का खेल हो सकता है। ये एकदम स्ट्रॉन्ग विचार आ गया कि ये पकड़ बिकड़ नहीं रहा है, ये मेरे मन का खेल है कि मैं दादाजी से टेलीपैथिकली बातें कर रहा हूं। और मेरा लैंडलाइन बजा, ट्रिंग ट्रिंग, फोन उठाया, हेलो, नहीं कुछ नहीं, डू यू स्टिल डाउट यू स्टूपिड, रख दिया। दादाजी का फोन था लैंडलाइन पे, क्योंकि ये जो डाउट आया दिमाग में वो भी 5 किलोमीटर दूर से उन्होंने पकड़ा, फोन किया, झाड़ा और रख दिया। उसके बाद में सारे डाउट्स गायब हो गए। एंड तक वर्बली बातें बहुत कम होती थी और ग्रुप में भी बैठे रहते थे, ग्रुप के सामने दादाजी बातें करते थे, लेकिन हमारी हॉटलाइन जो थी वो चलती थी। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, अपने जीवन में देखा हुआ चमत्कार है। और साइंटिफिक टेम्परामेंट होने की वजह से 1000 बार क्रॉस चेक किया, इसमें बड़े सूक्ष्मता के अनुभव भी किए। हमारी धर्मपत्नी भारती को साधु महात्माओं को सेवा करने का मौका कभी भी नहीं छोड़ती थी, तो दादाजी को गर्मा गर्म खाना मिले अच्छा तो एक लड़के को रखा था, और वो लड़का कुमार नाम का लड़का दादाजी के लिए डब्बा लेके जाता था। तो डब्बा वापिस आया तो मुझे लगा कि कुछ तो भी है, तो मैंने डब्बे को हाथ लगाया ऐसे, तो वो विचार जो दादाजी ने चिपकाया था डब्बे के ऊपर वो मैंने पढ़ा। अभी कुछ कुछ लोग, यू विल स्टार्ट डाउटिंग माई सैनिटी, लेट मी टेल यू, आई एम अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम VJTI, आई डिड माई MBA फ्रॉम वेस्ट जर्मनी म्यूज सिस्टम, एंड आई वॉज रिवॉर्डेड PhD लास्ट ईयर फ्रॉम यूरोपियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सो डोंट डाउट माई सैनिटी। What I'm telling you, listen carefully. दादाजी ने विचार को चिपकाया था डब्बे पे, और जब मैंने डब्बे को हाथ लगाया तो विचार मेरे मन में आ गया और हमारा कम्युनिकेशन हुआ। ये अजब गजब की बातें हैं। मैं धीरे धीरे गहराई में जा रहा हूँ, कुछ लोगों को अभी डाउट आना शुरू हो जाएगा कि ये आदमी क्या बोल रहा है। ओके, आई एम अ नॉर्मल मैन, आई एम इन बॉम्बे, एनीबडी कैन कम एंड मीट मी, डोंट वरी अबाउट, बट दीज आर द रियल थिंग, दीज आर हैपनिंग इन बॉम्बे। ओके, ये कोई हिमालय की बातें नहीं है, ये मेरे घर से बाजू में जो रहते थे दादाजी, और आप में से बहुत सारे लोग मिले हैं। मुझे एक बड़ा अच्छा लग रहा है कि ब्रह्म प्रकाश जी खुद दादाजी को मिले हैं, कम से कम होश तो मिला है, तो मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ तो भी सच है, इतना तो डाउट मतलब नहीं आएगा, क्योंकि होस्ट एटलीस्ट नोज मी एंड देयर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल। सो 20 years with the master, lots of such things happen. Okay, भय लग रहा था। तो एक बार मैं रात को बैठा था शाम को दादाजी के पास में कुर्सी पे, ओके, और दादाजी सामने उनका जो पलंग था वहां पर बैठ के बातचीत कर रहे थे। एक अच्छा खासा ब्लैक कोबरा आया धीरे से, और वो आके ऐसा करके मेरी कुर्सी के नीचे बैठ गया। मैंने धीरे से अपने पैर ऊपर उठा के मांडी डाल के बैठ गया कुर्सी पे। सत्संग चालू था और भय की ही बातें चल रही थी कि भय के परे कैसे जाने का। अब देखो, एक फिलोसॉफिकल बातें करना वो तो हम सब अच्छे से करते हैं, हम सब लोग हैं, एक कोबरा आके आपकी कुर्सी के नीचे बैठ जाना लाइव, ये खतरनाक चीज होती है। भय के परे जाने की बातें चल रही थी, कोबरा नीचे बैठा है, मैं अपना पैर ऊपर करके सत्संग चल रहा है, मैं दादाजी और कोबरा तीन जन। ओके, अब वो भी सत्संग में रस ले रहे थे, वहीं से हिलने का
नाम नहीं ले रहे थे और मेरे पैर में मुंगी आ रही थी। कुर्सी पे आप पैर ऊपर करके आधा पौना घंटा बैठते, उससे अधिक कितना बैठोगे। लेकिन इसी ये भय की बात नहीं है, ये कोबरा रियल था, नीचे बैठा था। और फिलोसॉफी कुछ भी हो, हम तो रिस्क लेना नहीं चाहते भैया। तो पैर में मुंगी आ गई थी काफी, एक आसन में बैठने का प्रैक्टिस करने का बताया था दादाजी ने कि बोले कम से कम आपको 5 घंटा बैठना है ध्यान में। लेकिन उस दिन तो मैं 1 घंटा बिल्कुल नहीं हिला था, बराबर कुर्सी पे मांडी डाल के 1 घंटा बैठा था अच्छे से। और जब वो महात्मा चल गए नीचे, तब एकदम धीरे धीरे पैर को खोला, मुंगे आई थी काफी अकड़ गए थे, और फिर मैं भी चल दिया। काफी लेट हो गया था, भय का नामो निशान नहीं था, ऐसा भी कहना एकदम गलत है, क्योंकि वो जब कोबरा नीचे से निकला नहीं तब तक तो मैंने पैर नीचे नहीं रखा, तो ये 100% नहीं बोल सकता हूँ कि भय का नामो निशान नहीं था। लेकिन भय क्या है, उसको देखने का कैसे, ये बिल्कुल अनुभूति से समझा। उस दिन मोटरसाइकिल लेके आगे गया, कुछ ही हार्डली 0.5 किलोमीटर, तो जंगल में से चित्ता आया और बराबर मेरे सामने खड़ा रह गया। मोटरसाइकिल पे बैठा हूं और चित्ता बराबर सामने, चित्ता मेरी आंखों में देख रहा, मैं चित्ते की आंखों में देख रहा हूं 5 मिनट तक फेस टू फेस विद चित्ता। लेकिन मैं देखा कि वो अपना जीभ से मुंह चाट रहा था, तो मेरा कॉमन सेंस कह रहा था कि ये डिनर करके आया है, मेरा डिनर नहीं करेगा, इतना मुझे समझ। मुंह चाट रहा था मतलब डिनर करके आया था, आई फेल्ट माई सेल्फ सेफ, डर नहीं लगा। और वो रास्ता छोड़े नहीं और मैं वहीं खड़ा रहा, ना पीछे जा सकता ना आगे जा सकता। 5 मिनट्स फेस टू फेस लुकिंग इन टू द आईज ऑफ द पैंथर इन द थिक फॉरेस्ट ऑफ योर हिल्स, दोस देश हुआ। थोड़ा टाइम के बाद में हिला एकदम शांति से, बिना कुछ हिचकिचाहट का वो नीचे उतर गया रोड क्रॉस करके, और मैंने अपना मोटरसाइकिल आगे बढ़ाया। एक बहुत बड़ा पंछी मेरे ऊपर से, जैसे कि मुझे वो नोचने वाला, ऐसे अंधेरे में मुझे समझ रहा था पंछी आ रहा था, मैं नीचे डक कर रहा था, वो ऊपर चढ़ रहा था ऊपर से। 2-3 बार वो पंछी ने हैरान किया और मेरा वॉचफुलनेस गजब का था। उस दिन घर पहुंच गया, तार तो कनेक्टेड थे, मैंने मैसेज भेजा दादाजी को टेलीपैथिकली कि भय की तो सारी बातें हुई लेकिन भय लगा नहीं, पहली बार ऐसा हुआ। तो भय क्या है, भय कैसे लगता है और भय के परे कैसे जाया जाता है, एक ही दिन में 3 अनुभव गजब के और रियल। ओके, ये पैंथर था, चीता जो था वो नकली नहीं था, फिल्मी नहीं था, रियल था, फॉरेस्ट में था और मैं अकेला था रोड पे, मोटरसाइकिल पे था, कार में नहीं था। और ये पंछी भी इतना बड़ा कभी नहीं देखा, उसके पहले भी नहीं देखा, उसके बाद में भी नहीं देखा, ये उर में तो 1000 बार गए होंगे, लेकिन ये अनुभव बस उसी रात के थे। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुओं की कृपा हुई कि उस दिन मुझे भय के परे जाना था और ये सारी घटनाएं घटित हुई। और भय के परे कैसे जाने का, लेकिन मृत्यु का भय तो था, तो मैंने मृत्यु के बारे में बहुत सारी बातें की दादाजी से, मृत्यु के परे जाने का कैसे, शरीर से निकलने का कैसे, तो इसकी सारी विधि उन्होंने बताई। और दादाजी को जाना था ऋषि वैली स्कूल, श्रीमूर्ति के जो स्कूल है ऋषि वैली, वहां में जाना था, तो हम लोग साथ में गए। मेरा मित्र था राजन पोर्डेकर जो बेंगलोर में रहते थे, एक रात हम वहां ठहरे और फिर वहां से टैक्सी में आगे बढ़ गए। तो हम जब बेंगलोर में सोए थे राजन पोर्डेकर के घर में, तो मेरी इच्छा थी कि हम शरीर से बाहर निकले और चक्कर मार के आ जाए। मैंने बताया था दादाजी को कि अगर आप मुझे सिखाओगे तो बहुत मजा आएगा मुझे, कि शरीर से बाहर निकल के घूम के कैसे आने का, जिसको आज हम एस्ट्रल ट्रैवल करके जानते हैं। तो उस दिन रात को हम सो गए तो मुझे समझ में आया कि हाँ दादाजी ने मुझे बाहर निकाला, और हम दोनों पंछी की तरफ पूरा बेंगलोर सिटी के ऊपर चक्कर मार के वापिस आ गए। और वापिस शरीर में जाने के लिए दादाजी ने मुझे पुश किया, तो मैं अपने शरीर में वापिस चला गया। अवेयरनेस पूरा था कि हाँ हम दोनों ने पंछी की तरफ पूरा बेंगलोर के ऊपर चक्कर मार के वापिस आ गए। और सवेरे उठे तो मुझे याद आया ऐसा ऐसा हुआ, जवान से पूछने का तो कोई सवाल नहीं था, तार जुड़े हुए थे, कंफर्मेशन हो गया, हाँ इसी को एस्ट्रल ट्रायल कहते थे, चाहिए था ना तुझे अनुभव, चलो हो गया ना, खुश रहो, दैट वाज इट।
Okay. After that, I mastered the art of astral travel. Okay. I have taught to more than 1,000 people now, systematically, scientific astral travel, how to go out of body. And the fear of death went away because I can easily go out of body. अगर हम शरीर से बाहर निकलते हम जिंदा, इससे भी अच्छा है, तो मृत्यु का भय जो था वो भी चला गया. जो दादाजी की हाजिरी में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई और इन सारी चीजों को दादाजी ने बोला, एक बार बड़ा झटका लगा उनके सेंटर में, अभी और कोई खुजली बची है क्या? ये सारी चीजें को वो खुजली कहते थे, क्योंकि वो सभी लोगों को होता है ना, ये मिस्टिकल वो मिस्टिकल. मैं बोला मैं अभी सारी खुजली गई, इसके आगे क्या हो बताओ. बोले अभी चुप बैठो. तो शांति से बैठना, मौन में बैठना. उन्होंने मुझे टारगेट दिया था कि तुमको एट अ स्ट्रेच 5 घंटा बैठने को होना चाहिए, क्योंकि वो विधि भी हमने अच्छे से जान ली और ध्यान में बैठे कि 5 घंटा बैठने, वो भी आ गया. तो आगे वाली परतें खुल गई. शांति के परे क्या है वो बातें समझ में आने लगी. मौन के परे क्या है, शून्य के परे क्या है, वो सारी बातें समझ में आने लगी. स्पंद शास्त्र समझ गए और फुल अवेयरनेस से कॉन्शियस एस्ट्रल ट्रेवल करने का विधि तो पहले सीख लिया था. तो लोक परलोक जाते थे रात को सोते सोते और बहुत सारे महात्माओं से मिलना होता था और ज्ञान प्राप्ति होती थी. तो हमने और गुरु मां भारती ने मिलके हमारे जो इंडस्ट्रियल गाले थे, जो हमने इंडस्ट्री का एक्सपांशन के लिए लिया था, 4 गाले थाना में, हुआ ऐसा कि गुरुओं की कृपा हो गई, स्वामी आनंद ऋषि मिले, उन्होंने सारी किताबें डोनेट की, तो यहाँ पर ताओ लाइब्रेरी शुरू हो गई. इंडस्ट्री तो चालू हुई नहीं. और इंडस्ट्री गाले में अभी जब मैं जहाँ बैठा हूँ, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान केंद्र बन गया. तो गुड़ी पड़वा अप्रैल 1997 में स्वामी आनंद ऋषि ने इनॉग्रेशन किया, लेकिन मैं चाहता था कि इसका इनॉग्रेशन दादा गावंड करें. तो दादाजी को हमने इनॉग्रेशन के लिए इनविटेशन दिया था. तो दादाजी बोला मैं आऊंगा जरूर, लेकिन तुम फॉर्मल इनॉग्रेशन स्वामी जी से कराओ, क्योंकि उन्होंने किताबें डोनेट किया और सही व्यक्ति है, आप उनसे कराओ. तो जब इनॉग्रेशन हुआ, स्वामी आनंद ऋषि ने स्पीच दी सेंटर में, 50-60 लोग थे, मेरे माता पिता भी थे तभी, और माँ थी, पिताजी तो नहीं थे उस समय पे, और घर वाले लोग बाकी सब थे, और बहुत सारे मित्र थे हमारे मुलुंड के और इंडस्ट्री वाले लोग थे. तो मैं जब थैंक्स गिविंग के लिए उठा, तो मैंने देखा कि दादाजी इतने सारे लोगों के बीच में भी मेरे सामने साक्षात हाजिर हो गए. मतलब ही एक्चुअली डिड एस्ट्रल ट्रेवल, ही मैनिफेस्टेड हिज बॉडी, आई कुड सी, ही ब्लेस्ड मी एंड वेंट अवे इंस्टेंटली. इतने सारे लोगों के बीच में मेरी स्पीच चालू, उसके बीच में ये अनुभव हुआ. इसको बोलते हैं मल्टी लेवल अवेयरनेस, और ये भी उन्हीं की देन थी. मल्टी पॉइंट अवेयरनेस होती है, मल्टी लेवल अवेयरनेस होती है. तो ये जो रियलिटी है वो लेयर्ड है, इसमें बहुत सारे लेयर्स है और सब पैरेलल ही चलते रहता. दैट डे आई कंफर्म दैट देयर इज अ विजन कॉल्ड लुकिंग इनटू द पैरेलल यूनिवर्सेस, एंड दिस यूनिवर्स इज एज ट्रू एज अनदर यूनिवर्स, एंड देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस, एंड यू कैन एग्जिस्ट इन ऑल द यूनिवर्सेस टुगेदर. इसका अनुभव उस दिन हमें हुआ, लोगों के बीचों बीच इनॉग्रल डे को. एंड देन तार तो जुड़े थे, थैंक्स फॉर कमिंग फॉर इनॉग्रल प्रोग्राम, किसी को नहीं समझा कि दादाजी आके गए थे. okay. लेकिन ये एकदम पक्का अनुभव था, और ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए थे. okay. आप अगर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ते हो तो आपको बड़ा रोमांच होता है पढ़ते पढ़ते. ये मैं, ये कोई किताब की बातें नहीं है. okay. ये सभी, ये हमारे जीवन की किताब है, और ऐसे अनेक रोमांचक अनुभव हुए. अब ये सारी घटनाएं घटित हुई. जो अंदर एक स्मार्ट बिजनेसमैन पब्लिक स्पीकर था, वो मर गया और मौन हो गया. करीबन 4-5 साल तक मौन चला, सेमी सॉलिट्यूड, क्योंकि बिजनेस चालू था, थोड़ा बहुत काम होता था. मेरा पत्नी का बहुत जबरदस्त सहयोग था कि मेरी जो ये यात्रा चल रही थी उसमें बहुत ज्यादा
सपोर्ट, क्योंकि फैक्ट्री को संभालना, लोगों को संभालना आसान नहीं होता है। जब ये गठित होता है तो मैं तो सब छोड़ के निकल जाता था, लेकिन पीछे संभालने वाला कोई होता है तो बहुत बड़ा जबरदस्त एक फायदा होता है। ऐसी कितनी सारी चीजें गठित हुई। ओके, ये ताओ खोला तो हमारे थियोसोफिस्ट फ्रेंड, जो कि कृष्णमूर्ति को जो ढूंढने वाले आपको मालूम होगा जो थियोसोफिस्ट थे, तो बहुत सारे सीनियर थियोसोफिस्ट लोग स्वामी आनंद ऋषि के साथ में थे, वो जानने लग गए। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि प्रेम निर्मल को बुलाते हैं, और हमारा थियोसोफिस्ट लॉज यहाँ पर था, 150 लोग मिलते थे उस टाइम पे थाना में, थाने लॉज ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी। अब उसको लॉज कहते हैं मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मेरा अंग्रेजी कच्चा था। तो मैंने स्वामी जी को पूछा इसको लॉज क्यों कहते हैं, यहाँ कुछ रेस्टोरेंट खाना पीना वगैरह रहने की व्यवस्था? बोले नहीं, ये थियोसोफी वाले लोग इसको लॉज कहते हैं। तो मुझे पहली बार समझा कि लॉज और भी प्रकार की होती है। गांव में तो हम तो लॉज बोलते थे, वहां रहने खाने पीने का, एक रात गुजारने का, उसको लॉज कहते हैं। लेकिन ये थियोसोफिकल सोसाइटी थाने लॉज लिखा हुआ मुझे इन्विटेशन मिला। तो मुझे तो पहले डर लगा कि एक तो अपना अंग्रेजी कच्चा, स्पेलिंग का गड़बड़, जैसे तैसे पास हुआ 35 मार्क। 35 भी मार्क नहीं मिलते थे, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सच बताता हूँ। आप सभी क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर और बड़े बड़े लोग हो, सबको नमस्कार। मुझे डर लगता है थोड़ा वैसे भी बड़े लोगों का, लेकिन मैं असली जो जेन्युइन बात है बताता हूँ, कोई मसाला नहीं डाल रहा हूं। बचपन में मेरी भाषा कच्ची थी, तो हिंदी में मुझे ना 32 से 33 मार्क तक मैं पहुंचता था। तो गांव में हमारे मास्टर जी थे, वो पेपर में ना 32+3 रेड पेन से लिखते थे, 35 करके सर्कल मार के पास करते थे हमको हिंदी में। फिर मैं जब बॉम्बे में आया तो हिंदी में 40-43 तक मिल जाते थे, मैक्सिमम 43 मिले जिंदगी में, उसके आगे मुझे नहीं मिले भाषा में, क्योंकि भाषा में कचास थी पहले से ही। तो लेकिन इंग्लिश में यहीं पर वही हालत हो गया, 32-33 मार्क्स मिलता था, +2+3 करके, उस जमाने में 35 यूज टू बी पासिंग मार्क, अभी तो पासिंग मार्क का भी लेवल बढ़ गया, 35 मिलके चला जाता था। और मेरी बड़ी सिस्टर थी, उसने मुझे समझाया कि मास्टर जी ने तुमको ग्रेस मार्क दिया और धक्का पास किया। तो मुझे पहली बार समझा कि धक्का पास जैसी भी चीज हुई थी, और मुझे तो आदत लगी थी धक्का पास करके ही सब पास हो गया, लेकिन ग्रेस मार्क मिलता है ये मेरा, इसका जो नाता है ना ग्रेस का, बचपन से, मतलब कि सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में ग्रेस मार्क मिलता था, तो मुझे समझता था कि भैया हमारी का तो लायकात नहीं है, लेकिन टीचर हमें ग्रेस मार्क देके पास करते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है। तो ग्रेस क्या होती है मुझे समझ में आ गई। फिर जब जदु कृष्णमूर्ति को मिले तभी बाद में समझा, अरे इसको तो ग्रेस कहते, वो तो ग्रेस मार्क वाला अपना +3 वाला फंडा मुझे याद आ गया कि ये ग्रेस का तो अपना पुराना नाता है भैया, इसके साथ में तो जिंदगी में पहले से ही अपना ग्रेस का नाता है। फिर जब दादा गावड़ ने बहुत सारी बातें सिखा दी तो बोला ये तो सब ग्रेस से ही होता है। और थियोसॉफी वाले लोगों से मेरी बातचीत हुई, स्वामी जी आके बड़े प्यार से समझाते थे कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, थियोसॉफी की किताबों में ये सब लिखा है, आपको ये अनुभव हुआ इसको ये बोलते हैं। अब अनुभव मुझे हुआ, बोलते क्या है वो दूसरे बताते। तो ठीक है भैया चलो, अभी अपनी तो भाषा कच्ची है, धीरे धीरे सीख गए कि किसको क्या बोलते किसको क्या बोलते। अब मुझे तो बड़ा डर लगा कि ये थियोसॉफी वाले उनकी भाषा बड़ी खतरनाक होती है। स्वामी जी ने एक किताब दी थी थियोसॉफी की, मैंने बड़ी ईमानदारी से पूरी कोशिश की लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं समझी थी, ब्लावट्स्की की किताब थी। अब वो ब्लावट्स्की नाम प्रोनाउंस करना भी बड़ा मुश्किल था, उनका स्पेलिंग भी आज भी मुझे याद नहीं है, मैं अगर आप पूछोगे तो मैं गड़बड़ करूंगा, मुझे फॉरेनर लोगों का स्पेलिंग नहीं समझता नाम का और याद भी नहीं रहता, और वो किताब मेरे समझ में नहीं आई। अब थियोसॉफिस वाले लोगों ने मुझे उनको लेक्चर देने के लिए बुलाया, कितनी खतरनाक चीज है सोचिए आप। लेकिन फिर मैंने दादाजी से पूछा, इन लोगों ने मुझे बुलाया मैं जाऊं? बोले हाँ जाओ, कोई वांदा नहीं आएगा। बोले ठीक है चलो, डेयरिंग करते हैं चलते हैं, और आधा घंटा पहले पहुंच गया मैं। बोले चाय वाय पियेंगे, थोड़ा मूड में आके भाषण करेंगे। तो चाय पिलाया स्वामी जी ने, वो भी चाय के शौकीन थे। और वो टेम्पल कॉम्प्लेक्स था थाना का ही, तो जैसे गाड़ी पार्क करके
रोड क्रॉस कर रहे थे, मेरी पत्नी मेरे साथ में थी, महावतार बाबा जी पहली बार फिजिकल बॉडी में अपियर हुए सडनली, जैसे आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में पढ़ते हो वैसे, और बोले कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई विल टेक केयर ऑफ यू, मतलब मेरा काम करना है, तुम्हारे थ्रू मैं बोलूंगा। बहुत अच्छा, अपना तो स्पीच का वैसे भी ठिकाना नहीं था, लेकिन मैं पहचाना नहीं कौन, आप सच हो क्या? बोले हाँ, तेरी जेब में पैसा है दे मुझे, तो जेब में 50 की नोट निकली मैंने दी और ऐसे हवा में गायब हो गई, ऐसा दूसरों ने देखा लेकिन मैं देख रहा था उनको। ये बाबा जी ने पहली बार, अच्छा मैं आपको बता दूं कि मेरा क्रिया योग से कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं था इस जमाने का, इस जन्म का। दादाजी आए, फिजिकल प्रेजेंस महसूस हुआ और टॉक बड़ा अच्छा हुआ, लोगों ने रिकॉर्ड किया, ट्रांसक्राइब किया और वो किताब का हिस्सा बन गया, अभी वॉट एवर टॉक आई गिव इज पार्ट ऑफ अ बुक नाउ। उसके बाद में जुलाई 2000 में घर में सोया था बेडरूम में, और करीबन सुबह का 4 बजे का समय था और महातर बाबा जी आए, वो गोल्डन डे में गोल्डन बॉडी था और मैं सोया था, एस्ट्रल एक्सपीरियंस था, क्रिया सिखाई। करीब करीब आधा पौना घंटा मैं ब्रीदिंग कर रहा था नींद में, अवेयरनेस पूरा था, एस्ट्रल अवेयरनेस कहते हैं उसको, और मैं पूर्ण रूप से क्रिया सीख गया। क्रिया सीख के हो गया तो दादाजी ने बोला उठो मैं तुमको ज्ञान देता हूं तुम लिखो। तो मेरी हाथ से लिखने करने की तो आदत चली गई थी, तो मैंने स्टडी में गया जहां पर मेरा कंप्यूटर था डेस्कटॉप, चालू किया, बाबा जी पीछे खड़े, महावतार बाबा जी की बात करता हूँ, दिव्य देह में मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, महावतार बाबा जी पीछे खड़े हैं, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन चल रहा है और उन्होंने मुझे क्रिया योग का पूरा पूरा ज्ञान दिया जो मैंने कंप्यूटर में पंच कर दिया। करीबन आधा पौना घंटा ये मीटिंग, पहले क्रिया सिखाने का और फिर ये ज्ञान देने का, इतना चला। नेचुरली थकना होता है, इतना हाई लेवल की अवेयरनेस मेंटेन करना कंटिन्यूअसली, फिर मैं सो गया। सुबह 8:30 बजे उठा और जब चाय गई तो सडनली याद आया, अरे रात को बाबा जी आए थे, पत्नी को बताया, अरे रात को बाबा जी आए थे, उन्होंने मुझे पूरा क्रिया योग का ज्ञान दिया, क्रिया सिखाया और पूरा ज्ञान भी दिया। बोले हाँ सपने तो आते रहते। बोला नहीं नहीं मैंने उठा और ये सारा ज्ञान मैंने कंप्यूटर में पंच किया, चाय को छोड़ा, सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया फर्स्ट फ्लोर के स्टडी में, कंप्यूटर ऑन किया, देखा तो वर्ड फाइल में टाइम आता है, आपको मालूम है ना, आप जब फाइल क्लोज करते तो वहां टाइम आता है, तो करीबन 5:15 बजे का वो बंद किया हुआ था और वो ज्ञान उड़ ना जाए इसके लिए सबसे पहला काम किया कि इसका हार्ड कॉपी ले लो, क्योंकि पावर आता है जाता है, गड़बड़ हो जाती है, कभी ज्ञान उड़ जाता है, ऐसे ऐसे ज्ञान को छोड़ा नहीं जाता। और वो एज इट इज विथ फ्यू स्पेलिंग करेक्शन जो मेरा मिस्टेक था वो छोड़ के एज इट इज मैंने क्रिया योगा लेवल 1 का जो मैनुअल बनाया वो आज तक दुनिया भर में 3 लाख लोगों को मैंने क्रिया दीक्षा दी है और क्रिया योग सिखाया, और वो एज इट इज डॉक्यूमेंट में आज भी दे रहा हूँ क्रिया योग लेवल 1 की मैनुअल के रूप में, जो कि बाबा जी ने मुझे थॉट ट्रांसपेरेंस से उस दिन सुबह दिया था। तो क्रिया योग फिजिकल मास्टर मेरा कोई भी नहीं है जो मैं इतने सारे लोगों को क्रिया दीक्षा दी और सिखाया, ये ज्ञान महावतार बाबा जी ने डायरेक्टली हमें दिया। दुनिया भर में लोग बुलाते हैं, बाबा जी के चमत्कार 1000 देखे हैं, मैं कोई सेंसेशनल न्यूज आपको नहीं देना चाहता, मैं अपनी जो जेन्युइन हकीकत है मैं बता रहा हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारी मीटिंग्स बाबा जी के साथ में हुई। दिसंबर 2016 में मैं बेंगलोर में पराग होटल में सोया था, वहां पर मेरे कुछ प्रोग्राम चल रहे थे, वही सुबह के 4:15 बजे के आसपास बाबा जी आए और इतना जबरदस्त प्रेम मार्ग का एक नया ज्ञान मुझे मिला। उठ के सब लिख लिया बहुत अच्छे से, और 2 दिन के बाद में हमारा एक दोस्त है अंकित नाम का जिसका बर्थडे था, तो उसकी बर्थडे पार्टी में हमने दिसंबर 2016 में प्रेम मार्ग का लॉन्चिंग किया और जो सारे लोग थे उनको, और एक क्रिया भी थी बाबा जी ने जो कि सिखाने को मना किया था,
जिसको प्रेम क्रिया कहते हैं, उन्होंने बोला था मुझे तुम 1000 दिन तक प्रैक्टिस करो, उसके बाद में तुम दूसरों को सिखाना। तो पिछले साल वो 1000 दिन पूरे हो गए मेरे, और अब मैं लोगों को प्रेम क्रिया की दीक्षा भी दे रहा हूं। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं बाबा जी ने हमें दी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो करंट सिनेरियो है, सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस COVID-19 क्राइसिस, कोरोना, ये सब क्या चल रहा है? तो all of us we need to learn and grow in the dimension of love and compassion, that is the whole purpose, okay? तो ये जो सारा ज्ञान है, बाबा जी ने बहुत सारा ज्ञान दिया, दादाजी ने तो साथ में रह के सिखाया, कृष्णमूर्ति की कृपा हुई, ग्रेस है ना, क्रियायोग में कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम। तो जब गुरुओं की कृपा होती है तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही मिल जाती है, okay? तो ऐसी कितनी सारी चीजें सीख ली, अमृत का अनुभव हुआ। और मैंने दादाजी से एक बहुत खास बात की थी, अच्छा समय का ख्याल है, डू वी हैव टाइम ब्रह्म प्रकाश जी? क्योंकि हम तो भैया मैराथन रनर है, अभी तो मेरा तो थोड़ा वार्म अप हुआ है, ओके okay? अभी तो मैं मूड में आ रहा हूँ, एक 1.5 घंटा तो मुझे वार्म अप पर लगता है। हाँ प्लीज कैरी ऑन, आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज विलिंग टू लीव इट, अनलिमिटेड टाइम दे दो सर, तो वी आर देयर, यस वी आर ऑल योर्स। क्या है भैया, मैं गांव का बच्चा हूँ ना, मुझे डर लगता है, बड़े बड़े कमिश्नर लोग यार बोले समय का ख्याल नहीं करते, डंडा पड़ जाएगा कहीं। ठीक है, तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं, अभी की टाइम है, आप बताइए ब्रह्म प्रकाश जी, शुड आई कंटिन्यू और शुड वी स्टॉप? हां यस वेरी मच, ऐसा है जो बात बाप बता रहे हैं वो समयातीत है, तो उसको समय की सीमा से क्यों बांधना। अच्छा ठीक है, तो मैं 10-15 मिनट और कंटिन्यू करूंगा और फिर स्टॉप करेंगे। बाबा जी ने जो ज्ञान दिया, गुरुओं ने जो ज्ञान दिया, मैं आपको यू नो कोई सेंसेशनल न्यूज या तो स्टोरीज बनाने की बात नहीं है, लेकिन एक गहरा राज है इसके पीछे। भैया तो दुनिया में क्या चल रहा है आप देखिए, वी हैव अब्यूज मदर अर्थ सो मच, ऑल द सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड ऑफ बियॉन्ड लिमिट वी हैव अब्यूज, एंड देयर इज समथिंग ड्रास्टिक दैट वी नीड टू डू। बाबा जी ने जो कंडीशन रखी थी कि 1000 दिन तक गुप्त रखते हुए, मैंने मेरी पत्नी को भी प्रेम क्रिया नहीं बताया, क्योंकि बाबा जी ने बोला था ये इसको गुप्त रखना, 1000 दिन तक मैंने उसका प्रैक्टिस किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लविंग अटेंशन, ये समझने को मुझे 1000 दिन नहीं 1100 दिन लगे, एक्चुअली मैं गिनती कर रहा था क्योंकि बीच में ट्रैवल होता है तो मिस होता था, तो उसको दिन को पकड़ने का नहीं, तो कैलकुलेशंस किया, स्लोली स्लोली द होल थिंग डॉन इन माय कॉन्शियसनेस, एंड अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस वी आर हियर ऑन प्लैनेट अर्थ टू ग्रो इन द डायमेंशन ऑफ लव एंड कंपैशन। तो आध्यात्मिक अनुभूति का प्रैक्टिकल अगर आपको एक बेंचमार्क चाहिए तो वो है कि हमारे अपने जीवन में हाउ मच वी हैव ग्रोन इन द डायमेंशन ऑफ लव एंड कंपैशन, दैट इज एग्जैक्टली इज योर प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एक स्पिरिचुअलिटी की फिलॉसफी होती है, ओके एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, जीना जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जीना, और सचमुच में जिसको उन्नति कहते हैं वो होना, ये अलग बात होती है। तो मेरी साधना अभी भी चल रही है, मैं अपने आप को आज भी शिष्य समझता हूं, ओके लेकिन गुरु तत्व बिल्कुल जो है उसकी मना नहीं करते, बिल्कुल सच है, तत्व की कोई कमी नहीं। हकीकत तो ये है कि जिसने भी पाया वो एक हो जाता है, समरस हो जाता है सबके साथ,
कबीरदास जी कहते थे बुंद सागर में समाए। जब बुंद सागर में समा जाती है तो सागर बुंद में समा जाते हैं, सागर और बुंद एक हो जाते हैं, वो एक का अनुभव, वो है अमृत का अनुभव, जिसको भी हुआ, जिसने भी पाया। तो ब्रह्म प्रकाश जी ने पूछा था कि भाई आप टाइटल दे दो, अब दो चार टाइटल हमने दिए थे, आपको जो ठीक लगे ले लो, हमको टाइटल से कुछ लेना देना नहीं। इन सर्च ऑफ मिरेकुलस में ना, मैं तो भूल भी का कौन सा दिया था, इन सर्च ऑफ अल्टीमेट, जो मानो ओके, मुझे टाइटल से कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता है, मैं तो ऐसे ही गप्पे मारता हूँ लोगों के साथ। बट इफ यू अंडरस्टैंड इन सर्च ऑफ अल्टीमेट, इफ दैट इज द टाइटल यू गॉट इन द मैसेज, देन दैट अल्टीमेट इज वो है प्रेम की अनुभूति, उसमें जीना, वो मधु है। That is the honey that all of us we want, and that's what I had been searching. तो मैंने दादाजी से पूछा, ये तो कृपा की बात है, आपकी कृपा है, मुझे मालूम है, ये मेरा नहीं है, लेकिन मैं डेयरिंग करूंगा, आपको एक सवाल पूछूंगा। बोले अच्छा, डेयरिंग करने का फिर से मूड आ गया। बोला हाँ आ गया, आप पिटाई करोगे मुझे मालूम है, बिकॉज डंडा मारते थे मास्टर, तो डंडा मारते। बोले मुझे मालूम है आप डंडा मारोगे, लेकिन मैं डंडा की मार खा के भी आपकी आंखों में आंखें डाल के मैं पूछना चाहता हूं अभी। बोले पूछो। He was like a lion, you know, facing the lion in his den is a very dangerous thing. All of you know, those who have met Dada Gavan, मार डालते थे, ऐसे लायन के जैसे व्यक्ति थे वो। आंखों में आंखें डाल के पूछा कि ये तो आपकी कृपा है, जो भी हुआ हो, इसको मैं अपने विल पे पा सकता हूं क्या, मेरी मर्जी से? बोले हाँ। पैर पकड़ के बैठा, बताओ ये कैसे होता है? ओके, अभी ऐसे व्यक्ति का पैर छोड़ नहीं सकते आप। बोले हाँ अपनी मर्जी पे। और उन्होंने मुझे फिर वो उनकी एक पोइम सुनाई, ओ पॉसिबल इट्स पॉसिबल टू कैप्चर द बाउंडलेस इज पॉसिबल, ऐसी एक कहानी, एक पोइम सुनाई उन्होंने। और मेरी पत्नी ने, भारती ने, सारा का सारा लिटरेचर वीडियोस बनाए, बहुत सारा काम किया। सीख रहा था मैं वैसे आलसी आदमी हूं, मैं काम कम करता हूँ, ओके, काम की चीजें मैं ले लेता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी बहुत ही मेहनतू है, और दादाजी का सारा लिटरेचर कंपाइल करने का, वीडियोस बनाने का, उसके फ्लायर्स बनाने का, सीडी बना के, आप जितना भी दादाजी का लिटरेचर आज देख रहे हो नेट पे, बड़गुजर ने चढ़ाया और भी कुछ लोगों ने चढ़ाया, वो सारा का सारा काम भारती ने, मेरी पत्नी ने किया, बहुत बड़ी मेहनत की, और दादाजी का बहुत सारा लिटरेचर वीडियो के फॉर्मेट में आज उपलब्ध है, नहीं तो ये सब गायब हो जाता। ओके, तो कुछ लोग काम करके पाते, मेहनत करके, और कुछ मेरे जैसे लोग ऐसे ही कृपा के पात्र बन जाते और पा लेते। क्योंकि मेरी भाषा कच्ची थी, तो दादाजी ने बोला तुम भी बैठो, थोड़ा ये ट्रांसलेशन का काम करो। मैं बोला न मुझे हिंदी ठीक से आती है, न मराठी ठीक से आती है, इंग्लिश का तो ठिकाना नहीं है, अभी मैं क्या कंट्रीब्यूट करूं ट्रांसलेशन के, इसमें सोची। बोला ठीक है, तो निकम आदमी है तो बैठ। तो मैं बैठा था कभी कभी, और कुछ लोग काम करते थे। जब निकम्मा बोला तो मुझे याद आ गया कि मैं जब काम की बात करता था तो मेरे से खड्डा खुदवाया था, मेरा निकम्मा ही ठीक है। चलो ऐसे कृपा के पात्र होते हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। लेकिन इसको हम अपनी मर्जी से पा सकते हैं क्या? तो बोले हाँ पा सकते हैं, और इसकी सारी की सारी विधि उन्होंने मुझे बताई। तो मैं तो भैया साइंटिफिक टेम्परामेंट का रहा, कोई भी चीज डायरेक्टली मानता नहीं हूं, तो मैंने प्रयोग किए कि अगर उनकी विधि सच है तो मैं करूंगा, तो मैं उसी अमृत के अनुभव में इंस्टेंटली आ जाऊंगा। तो मैं एक दिन किया, आया, हो सकता है तो कृपा है क्योंकि अपना कनेक्शन जुड़ा हुआ था ना, दूर से मैं बहुत दूर चला गया। एक बार मैं अंधेरी वर्सोवा चला गया, अंधेरी में एक मीटिंग थी बिजनेस की, और शाम का टाइम था, तो वहां पर बीच पे वॉक लेने के लिए इवनिंग टाइम में चला गया, और जो दादाजी ने जो विधि बताई थी वो मैंने की, सेटिंग सन के सामने, बिल्कुल अमृत का अनुभव, समाधि जैसे लग गई वहां पर नशे में। फिर एक बार मैं येऊर के जंगल में दादाजी से थोड़ा दूर चला गया, ढूंढते ढूंढते कहीं बाहर दूर चला गया, एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया, फिर से वही बात, फिर से मजा आया।
घर में बैठे बैठे मैं किया, अलग अलग रूम में किया, टेरेस में बैठ के किया, तो मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं तब वैलिड है और ये साधक अपनी साधना के बलबूते पे भी पा सकता है। इसका पूरा वर्णन मुझे समझ में आ गया और उस विधि को हमने एक ध्यान विधि के रूप में साइंटिफिक फॉर्मेट में बना लिया, लेकिन मैंने किसी को दिया नहीं था। ओके, फिर हमने साइंटिफिक तौर पे रिसर्च किया। आपको मालूम होगा कि रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। हमने 75 वॉलंटियर्स को तैयार किया ट्रेनिंग देके, 53 क्वालिफाइड वॉलंटियर को 48 डेज का बहुत बड़ा प्रयोग हमने किया। 49 हीलिंग ब्रेथ निर्मल क्रिया फॉलोड बाय 6 स्टेप निर्मल ध्यान का रिसर्च पेपर इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो गया। उसके बाद में और भी बहुत सारे साइंटिफिक टीम्स के साथ में हम लोग ने प्रयोग किया। मैं जब 2008 में इंटरनेशनल टूर पे गया, बहुत सारे लोगों से मिला, साइंटिस्ट लोग मिले मुझे पहली टूर में, और उन लोग बोलते थे हम आपके यहाँ इलेक्ट्रोड लगाएंगे और मेजरमेंट करेंगे। आई बी वेरी हैप्पी टू डू सो। तो 2008 में मेरे ऊपर ब्रेन और हार्ट के ऊपर रिसर्च किया गया और निर्विचार की अवस्था को, ये जो हम अमृत की अवस्था कहते हैं, उसको लेबोरेटरी में कैसे पकड़ने का, इसका प्रोटोकॉल भी तैयार किया और इसका पूरा रिसर्च भी हुआ। इसके बारे में दुनिया भर के बहुत सारी लेबोरेटरीज में हमने काम किया, बहुत सारे साइंटिफिक टीम्स के साथ में काम किया, और ये एनलाइटन कॉन्शियसनेस हम जिसको कहते हैं, निर्विचार की अवस्था, पूर्ण अवेयरनेस की जो अवस्था है, वो अवस्था में ब्रेन वेव्स में क्या होता है, साइंटिफिक उसका प्रमाण क्या है, उसका भी रिसर्च हुआ, ये भी सब डॉक्यूमेंटेशन किया। अब बात आती है ये कि साधक अपने बलबूते पे उस अवस्था में जा सकता है, तो उसका जवाब है साइंटिफिक तौर पे प्रूवन, यस। लेकिन फिर भी हमने इसको रिलीज नहीं किया। फिर हमने कैंप लगाई, एनलाइटनमेंट इंटेंसिव कैंप हमारा आश्रम है कल्याण में। तो मैंने देखा कि सभी को ये अमृत का अनुभव हो सकता है। 99% लोग जो कैंप में आए थे उनको हुआ, 99% लोगों को हुआ। दूसरी कैंप लगाई, दूसरी कैंप में भी सबको अनुभव हुआ। हाँ, स्टेडी नहीं रहता था, चला जाता था, लेकिन अनुभव सबको होता था। तो मुझे एक बात तो साइंटिफिक तौर पे समझ में आ गई कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ जिज्ञासु होगा तो शायद नहीं होगा, लेकिन मुमुक्षु होगा तो डेफिनेटली इस बात को पकड़ लेगा। तो हम जब पर्सनल प्रेजेंस में होते हैं तो आसान हो जाता। अब लेकिन वो साइंटिफिक टेम्परामेंट निकला नहीं है, तो मुझे विचार आया अभी ये COVID-19 का टाइम है, पर्सनली तो हम किसी को मिलते नहीं है, तो क्या ये अनुभूति हम स्क्रीन पे दूसरे लोगों को दे सकते हैं क्या? नेचुरल है ना कि अभी हम पर्सनली तो किसी को मिलते नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्या अमृत का अनुभव स्क्रीन पे ऐसे ऑनलाइन मीटिंग में एन मास दिया जा सकता है क्या? मुझे नहीं मालूम इसका। लेकिन अगर आप लोग सब तैयार हो तो हम ये प्रयोग करने को राजी है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के, और प्रयोग है भैया, पास भी होता है फेल भी होता है। हाँ, तो फेल हुआ तो कोई डरने का नहीं, हमारे 1000 प्रयोग फेल होते हैं, 1000 सक्सेसफुल होते हैं। सो फेल्यूर तो हमारा मित्र है, इससे हम डरते नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा है तो अगले सेशन में हम आपको अमृत का अनुभव कैसे करने का ऑनलाइन स्क्रीन के जरिए, क्या कंडीशन है सुन लीजिए, अगर आप कंडीशन फुलफिल करोगे तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, मेरी दृष्टि आपके चेहरे पे पड़नी चाहिए, क्योंकि वो शक्तिपात का एक तरीका है, आंखों से शक्तिपात करने का। आई शुड बी एबल टू सी यू इन टू योर आईज। हो सके तो देखिए, आप अभी मेरी जो फ्रेम देख रहे हैं अच्छा लग रहा है आपको? मैंने ये आज इसलिए यहाँ से कंडक्ट किया कि मुझे मालूम था कि ये जो ग्रुप है आप लोगों का, बड़ा ही मेधावी लोगों का, प्रतिभावान लोगों का ग्रुप है, बड़े बड़े लोग हैं, मुमुक्षु है, और मैं एक साइंटिस्ट हूं। आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए, आपका एंगल सही होना चाहिए। ओके, तो मैं एक प्रयोग करूंगा। देखिए,
बाबा मुक्तानंद ने मुझे जो मोर पीस से शक्तिपात किया था, तभी तो मुझे मालूम भी नहीं था कि उसको शक्तिपात कहते हैं, बट एज अ साइंटिस्ट आई वेंट वेरी डीप इनटू दिस साइंस ऑफ शक्तिपात एंड आई लर्न फ्रॉम मेनी मेनी मास्टर्स. ओशो यूज्ड टू डू शक्तिपात डिफरेंटली, वो अंगूठे से थड़ाई को दबाते थे. दादा गावंड यूज्ड टू, ही टॉट मी द मेथड्स ऑफ हाउ टू लुक एट द पर्सन एंड गिव शक्तिपात जस्ट बाय द गेज. ओके, नजर से कैसे शक्तिपात करने का, फ्लावर से कैसे करने का, लात मार के कैसे करने का, थप्पड़ मार के शक्तिपात कैसे करने का, सारी चीजें में बहुत सारे अलग अलग मास्टर्स से सीखा. ओके, तो ऑन स्क्रीन एनमा शक्तिपात कैसे करने का, ये विधि भी मुझे कुछ पकड़ में आ रही है ऐसा मुझे लग रहा है. मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है साइंटिफिक तौर पे कि हाँ शायद ये पकड़ में आ रही है. तो मैं आपको कंडीशंस बता देता हूं कि आपका जो चेहरे पे लाइट आनी चाहिए, हो सके तो बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट आई कैन सी यू प्रॉपरली. यू शुड बी लिटिल क्लोजर टू द कैमरा, योर एंगल शुड बी प्रॉपर, एंड इफ ऑल ऑफ यू कम इन टू दैट प्रॉपर frame, okay, if you learn to manage your screen properly, then in the next session, if you like, okay, if you don't like, it's okay, need not invite me again, and I'm perfectly fine with it, okay, but if you like, and if you want to do this thing, if you can follow the conditions, Nupur Tandon madam, are you able to hear me? Aapka, haan, haan, dekhiye, aapka jo screen hai, usko adjust kariye. See, there's something which you need to learn, okay. Everybody's screen should be properly arranged. If the background is clear, you will really enjoy. Okay? और हम जब स्क्रीन देखते हैं तो it should be neat and clean. हम सब साधक लोग. साधक ने सत्संग में कैसे बैठने का ताकि आप कृपा के पात्र बन जाओ. कृपा का मैंने आपको बताया ना, गुरु कृपा ही केवल हमें, तो हमारा क्रिया योग का महामंत्र है. ग्रेस, ग्रेस अपने को मिलता, आप याद किया ना मेरे 32+3 35 वो वाली बात है. ओके, तो वो पाने के लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस होता है. आपको सीधा बैठना है, आपका स्क्रीन का एडजस्टमेंट ठीक होना चाहिए, बैकग्राउंड ठीक होना चाहिए, आपके चेहरे पे लाइट होनी चाहिए ताकि आई कैन सी, आई कैन लुक इनटू योर आईज. ओके, एंड योर वीडियो शुड बी ऑन, अदरवाइज यू विल मिस द पॉइंट. मैं आपको गाइड करूंगा एक सिक्स स्टेप मेडिटेशन जो अभी तो वर्ल्ड फेमस हो गया. इसी सिंगापुर गवर्नमेंट स्पेंड सम $600 million टू डू द रिसर्च कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेडिटेशनल टेक्निक्स. ओके, तो वो टीम जो है उसको भी हमने गाइड किया, दो मीटिंग हो गई टीम के साथ. एक इंटरनेशनल लेवल पे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, जिसमें हमारा सिक्स स्टेप निर्मल ध्यान का भी पन्ना दिया है हमने, लेकिन ये कोरोना की वजह से अभी क्या हो रहा है मालूम नहीं, काफी बंद है सब कुछ. वो जब होगा तब होगा, लेकिन हम अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं. ऑनलाइन स्क्रीन पे एनमा शक्तिपात करके लोगों को अमृत का अनुभव करा सकते हैं क्या? ये प्रयोग हम करने जा रहे हैं. प्रयोग सक्सेसफुल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. यू शुड बी ओपन टू इट, दैट्स ऑल. इफ यू आर ओपन, आई विल गाइड यू इनटू अ मेडिटेशन एंड वन पॉइंट विल कम वेयर शक्तिपात विल हैपन and you will get deep into that same experience which is pura enlightenment experience is ko kehte hain. Okay, every seeker who is searching can go into that. Ye vigyan hai. Okay, aur uske steps printed hai, kisi ko chahiye to hum de denge. Ek ebook bana raha hu main bahut acche se, wo ebook hum sabhi sadhak ko gift ke roop mein दे देंगे. मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें हैं और मैं आपको गाइड करूंगा कि क्या क्या स्टेप्स है. देखो, एक तो फिलोसॉफिकल बातें मैं आपको बताऊं कि हाँ मुझे दादाजी ने ये सिखाया, टेलीपैथी किया, बाबा जी मिले, क्रिया योग मिला, प्रेम मार्ग मिला, तो आपको आनंद आएगा, एक्साइटिंग एक स्टोरी बनेगी, बट दैट नॉट अवर पर्पस. दैट इज डेफिनेटली नॉट द पर्पस. अवर पर्पस इज how everyone can have that anubhuti within oneself taki jeevan sarthak ho jaye, prithvi lok pe ye janam aakhri janam ho jaye aur hum mukt hokar ud jaye, wapis aane ki zarurat na ho hame.
उस अनुभव को अमृत का अनुभव को शब्द हमने दिया द अल्टीमेट दैट्स व्हाट द एवरी ह्यूमन बीइंग इज सर्चिंग सो दिस वाज जस्ट द प्रीएम्बल टू दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट इट विल बी लिटिल डिफरेंट स्टाइल ऑल ऑफ यू जॉइन 10 मिनट्स अर्ली आपका चेहरा दिखना चाहिए आपका सीलिंग फैन नहीं दिखना चाहिए है ना आपको एडजस्ट करना है अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करते हो सके तो आप लैपटॉप से कनेक्ट करो लैपटॉप को थोड़ा सा हाइट पे ले लो सो दैट यू कम स्ट्रेट यू नो योर प्रेजेंस शुड बी प्रॉपर ऑन द स्क्रीन एंड आई थिंक एवरीबडी हैज टू लर्न अभी ये ऑनलाइन का जमाना आ गया अगर आप एंगल एडजस्ट नहीं करते हो तो देयर इज समथिंग रॉन्ग आई थिंक वी आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल वी शुड नो हाउ व्हाट आर द एटिकेट्स एंड मैनर्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसे किसी किसी का ऑडियो ऑन हो जाता है फिर एको आता है वी ऑल हैव टू लर्न सम बेसिक्स ऑफ हाउ टू अटेंड द ऑनलाइन मीटिंग हाउ टू एडजस्ट योर कैमरा यू नो हाउ टू बिहेव यू आर इन अ नेशनल इंटरनेशनल क्लास राइट नाउ सो ऑल ऑफ यू इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू एंड करेक्ट लिटिल बिट हियर एंड देयर probably we can get into something absolutely fantastic अमृत का अनुभव का योग्य हो जाए और हम सब उस अनुभव को चखेंगे सब साथ में आप सब लोगों ने बहुत प्यार से सुना और जैसे टूटी फूटी भाषा है मेरी जो भी थोड़ा बहुत समझता है आप लोगों ने इतने प्यार से रस लेके सुना इसलिए आप सभी का बहुत बहुत अंतर से धन्यवाद आप सभी लोगों का और कुछ भूल चूक हो गई तो क्षमा मांगता हूँ आपसे और हमारे मित्र ब्रह्म प्रकाश गौर साहब से कि भैया कुछ छोटे मुंह बड़ी बात हो गई तो क्षमा करना आप सब लोग बड़े बड़े लोग आशीर्वाद बताए रखना वैसे भी हम ग्रेस लेके लेके आगे बढ़े हैं आपकी भी ग्रेस होगी तो और आगे बढ़ेंगे जीवन में ओके धक्का पास ही हुए तो आदत हो गई धक्का पास की आप भी अपनी कृपा बनाए रखना हमारे ऊपर तो हम और आगे बढ़ जाएंगे The host और ब्रह्म प्रकाश थैंक यू वेरी मच हम आपसे मिल सकते हैं स्वामी जी हाँ हम तो यहीं बैठे एकदम फ्री है बेकार बैठे हैं अभी तो कोरोना में कोई काम धंधा नहीं है जो भी मिलना चाहते हैं आप आइए अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपके घर आएंगे और मिलेंगे हमको तो गपशप में मजा आता है क्या बात और ये स्क्रीन पे इतना मजा नहीं आता हम जब चाय के कप पे गपशप मारते तो बड़ा आनंद आता है ओके ठीक है ये तो कोरोना ने बंद कर दिया नहीं तो मैं तो घूमते रहता हूँ नहीं तो आपसे वैसे बात कर सकते हाँ बिल्कुल अभी करो ना आप जूम पे बात करो मैं अवेलेबल हूँ ठीक है धन्यवाद फेस टू फेस बात करो सी आई विल शेयर द नंबर विद यू आई विल शेयर थैंक यू एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से समथिंग कोई और भी कुछ बोलना चाहते हैं कोई लोग अद्भुत कहना चाहते हैं हम मिलना चाहते हैं हेलो हेलो ब्रह्म प्रकाश जी हाँ. अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे पहले ही मीटिंग के कहा था कि क्या हम उनसे मिल सकते हैं बॉम्बे में हाँ तो आपको उत्तर तो मिल गया ना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिल गया बिल्कुल मिल गया ऋषि मैम कुछ आप बोलना चाहते हैं नहीं मैं तो थाना में ही हूँ मैं तो बहुत पास में हूँ मैं जरूर मिलूंगी बहुत अद्भुत बहुत ही सुंदर मतलब देयर आर नो वर्ड्स नाउ राइट नाउ टू से सर बिफोर द नेक्स्ट सेशन जो बुक्स हैं या वो है जरा अगर उसका नाम आप दे दें जस्ट गो थ्रू दैट वीडियोस तो मैंने देखे थोड़े हाँ मैं आपको पूरा उसका ई कॉपी ब्रह्म प्रकाश जी को भेज देता हूँ अभी लिंक्स भेजता हूँ All of you can enjoy my gift. और ये जो विद्या है मैं आपको बता दूं कि भैया सारे के सारा जो नॉलेज है ओपन टू ऑल है कोई भी साधक दुनिया भर में कहीं पर भी हो ये सब ज्ञान हमने पूर्ण रूप से फ्री में खोल दिया है इंटरनेट के ऊपर 300 से अधिक वीडियोस हमारे है और ये सारी बातें हमने उसमें की है स्वरयोग का भी है उसमें बहुत सारी बातें की है तो
आप प्रेम निर्मल पंच कीजिए YouTube में, आपको 300 वीडियो मिलेंगे। हमारी एक हिंदी चैनल है, हिंदी भाषी लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, तो हिंदी के वीडियो ज्यादा क्लिक हो रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे लोगों के साथ में। गुरुजी उनमें से, हाँ जी, उनमें से कुछ ऐसे बताओ जो इमीडिएटली हम देखना शुरू कर दें। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करें, हाँ, जो जो मुमुक्षुओं के, जो सीनियर सीकर जो है, जिनको थोड़ा बहुत अनुभव ऑलरेडी हुआ है और जो साइंटिफिक रूप से आगे बढ़ना चाहते। देखो, जिनको अनुभव हुआ नहीं है वो तो मेरी बातें एंजॉय भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं जब मेरी बात करता हूँ तो आपके भीतर कुछ है, वो आपको क्लिक होता है तो आप मुझसे तार जोड़ पाएंगे, अगर वो नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन ये मुमुक्षुओं का गण है, मुझे मालूम है भाटिया जी, मैं आपको जानता हूँ, आपका वीडियो भी मैंने देखा है। तो मैं क्या करूंगा, ब्रह्म प्रकाश जी को मैं कुछ खास लिंक्स भेजूंगा, खास, वो एक हफ्ते का समय, बराबर ना, अगले मंगलवार को होगा अपना, जी जी जी, 7 दिन आपके पास है, कुछ 5-7 वीडियो जो खास खास वीडियो मेरे है वो मैं आपको लिंक भेजूंगा, बस उतना लिंक आप वीडियो देख लो और फिर आप आगे वाले स्टेज के लिए तैयार हो जाओगे। ओके, थैंक यू। सो सबको सब कुछ मिल जाएगा, आपको घर में बैठे बैठे मिल जाएगा, और मेरी जो किताबें हैं उसकी ई कॉपी जो है वो अवेलेबल है, उसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा, आप किताब घर में बैठे पढ़ सकते हैं। हार्ड कॉपी का तो अभी जमाना गया, कुरियर करने का जमाना गया, अभी तो सब कुछ आपको ई कॉपी, ई फॉर्मेट में घर बैठे मिल जाएगा, आप डाउनलोड करो, पढ़ लो स्क्रीन पे, प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं। और किसी का कुछ होगा, पूछना होगा? तो यही कहना है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो सबको आज यही अनुभव हो रहा है कि ईश्वर ने छप्पर फाड़ कर दे दिया। तो अब अगले मंगलवार के लिए लोग बहुत उत्सुकता से इंतजार करेंगे और बीच में ई बुक पढ़ लेंगे और हम अवश्य मिलेंगे मंगलवार को। ठीक है, बहुत अच्छा। और अभी समाप्त करता हूँ हम। ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।